What's up guys, welcome back. आज मैं explain करने जा रहा हूँ एक American found footage horror movie को, जिसका नाम है The Possession of Michael King, जो कि सन 2014 में रिलीज हुई थी. इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 out of 10 और Rotten Tomatoes में ये 32% fresh है. इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड जंग ने. मूवी में हम लोग एक नास्तिक आदमी के बारे में जानेंगे, जो भगवान या शैतान की एग्जिस्टेंस को झूठ साबित करने के लिए किस हद तक जाता है और इसका परिणाम क्या होता है. So without wasting any further time, let's start the video. मूवी शुरू होती है एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर माइकल किंग को दिखाते हुए, जो कि किसी भी प्रकार का पैरानॉर्मल या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता था. उसके हिसाब से भगवान, डेविल, सैटन, ये सब लोगों का अंधविश्वास है और आज के जमाने में पैसा कमाने का एक जरिया है. पर उसका वाइफ सामंथा उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी. वो ये सब के ऊपर बिलीव करती थी और बहुत सालों से वो एक स्पिरिचुअल मीडियम जिसका नाम था बेवली, उसके पास जाती थी फॉर स्पिरिचुअल असिस्टेंस. बेवली टैरोट कार्ड रीड करके सामंथा को उसकी लाइफ में बहुत सारे सही गलत चीजों के ऊपर सलाह देती थी. माइकल सामंथा के साथ एक यूरोप ट्रिप में जाने वाला था, बट सामंथा ट्रिप को कैंसिल कर देती है क्योंकि उसे एक एक्ट्रेस बनना था और बेवली के हिसाब से उसे अमेरिका में ही रहना चाहिए क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला था. बट अनफॉर्चुनेटली सामंथा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिससे माइकल एकदम से टूट जाता है और इसका जिम्मेदार वो बेवली को मानता है, क्योंकि अगर बेवली उसे यूरोप जाने के लिए मना नहीं करती तो आज सामंथा जिंदा होती. माइकल बेवली के पास जाके उसे कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि मान लो यहाँ तुम पैसा कमाने के लिए सब ड्रामा कर रही हो और तुम्हारा किसी से कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है. बेवली ये सुनकर थोड़ी सी नाराज हो जाती है और माइकल को वहां से जाने बोलती है. सामंथा के मौत के बाद माइकल पूरी तरह से टूट गया था और वो मूव ऑन नहीं कर पाता. माइकल की बहन बेथ उसके साथ आके रहने लगती है ताकि वो उसकी बेटी एली का ख्याल रख सके. इसके बाद माइकल ठान लेता है कि वो ये सब अंधविश्वास को झूठ साबित करके रहेगा. वो एक डॉक्यूमेंटरी बनाने के लिए डिसाइड करता है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि भगवान या डेविल जैसा कुछ चीज नहीं होता. कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसका फायदा उठाते हैं और ये सब इंसान की डर की वजह से होता है. माइकल अपने ऊपर दुनिया के सबसे डार्केस्ट या खतरनाक रिचुअल्स करके इसको रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि बाद में लोग इसे देख के समझ सके कि स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. वो इंटरनेट में एक ऐड देता है जहां लोग ये रिचुअल्स के बारे में अपने अपने तरीके बता सके. वो एक कैमरामैन जॉर्डन को भी हायर करता है ताकि वो 24 घंटा ये सबको रिकॉर्ड कर सके. माइकल का कहना था कि अगर उसका बात गलत साबित हुआ तो वो दुनिया का पहला आदमी होगा जिसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होगा सुपरनेचुरल पावर्स का होने का. उसके एड में बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लगते हैं. माइकल पहले एक प्रीस्ट गिवन से मिलने जाता है. गिवन्स बोलता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था. उसने भगवान को बहुत प्रे किया बट कोई फायदा नहीं हुआ. एक दिन वो गिवअप करके सैटर्न से मदद मांगा और कुछ दिन बाद उसके पिता की एक हार्ट अटैक में मौत हो गई. माइकल इसे बिलीव नहीं करता और इस सब को एक कोइंसिडेंस बोल के वहां से चला जाता है. उसके बाद वो इंटरनेट से बहुत सारी चीजें ऑर्डर करता है ताकि वो अपने ऊपर रिचुअल्स करके डीमन को बुला सके, बट फिर भी कोई फायदा नहीं होता. इसके बाद वो एक कपल के पास जाता है जो अपने आप को डिमोनोलॉजिस्ट क्लेम कर रहे थे. ये कपल माइकल को एलएसडी देते हैं और अपने बेसमेंट में एक क्रॉस से बांध के एक रिचुअल करते हैं. माइकल पे एलएसडी का बहुत गंदा असर होता है बट फिर भी डीमन नहीं आता. और बाद में चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये कपल भी फेक थे. माइकल हार नहीं मानता और एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने जाता है जो कि ये सब काला जादू वगैरह करता था. वो एक बहुत ही अलग तरीका यूज करके माइकल को पहले डिहाइड्रेट करता है और बीच शमशान में एक रिचुअल करता है. वो एक रिसेंटली मरे हुए इंसान की आत्मा को माइकल के बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता था, बट तभी वहां पुलिस आ जाती है और रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता. वो लोग वहां से भाग जाते हैं और माइकल एक घर के अंदर चला जाता है. कैमरामैन जॉर्डन उसे ढूंढते-ढूंढते उसके पीछे जाता है और देखता है कि माइकल एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है. तभी माइकल पीछे घूमता है और हम लोग देख पाते हैं कि उसका आंख का कलर पूरा ब्लैक था, मतलब शायद वो रिचुअल उसके ऊपर काम कर गया था. वो बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता और जॉर्डन के ऊपर कूद जाता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने आप को संभालता है. इस घटना के बाद से ही माइकल के सर में कॉन्स्टेंट सटीक आवाज उसे सुनने मिलता है और हमेशा सरदर्द करता है. उसे लगता है कि वो ड्रग्स के वजह से ही ये सब हो रहा है. वो एक साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है जो कि एक हिप्नोथेरेपी सेशन से उसका ये आवाज़ से उसे छुटकारा दिलाने की कोशिश करती है. सेशन के दौरान माइकल अजीब सी आवाज़ें निकालता है
और बोलता है कि वो उन आवाज को सुन सकता है, बट तभी करंट जाने के कारण सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। बाद में जॉर्डन उन रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करके बोलता है कि माइकल सेशन के दौरान जो आवाज निकाला था, एक नॉर्मल इंसान की वोकल कॉर्ड्स इस सब आवाज को नहीं निकाल सकता। बट माइकल को लगता है कि शायद कैमरा में कुछ डिफेक्ट होगा। जॉर्डन ये बात को बिलीव नहीं करता और अब से उसके साथ काम नहीं करने के लिए डिसाइड करता है। उसके बाद माइकल खुद से ही अपना सारा रिकॉर्डिंग्स करता है, बट अभी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गया था। माइकल अभी रात को चलने लगा था और वो हमेशा थका हुआ रहता था। उसका बॉडी डिहाइड्रेट होने लगा था और रात को आंख का कलर भी चेंज हो रहा था। वो अपने होश में नहीं रह रहा था और एक रात वो अपनी ही बहन को गलत तरीके से छूता है। तब उसे देख के ऐसा लग रहा था कि सच में अब डीमन ने माइकल को पोजेस कर लिया है। माइकल को अब सीरियसली लगने लगा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक रात अचानक एक कबूतर उसके खिड़की से टकरा के नीचे गिर जाता है। जब उसे चेक करने वो नीचे जाता है तो खिड़की से एक साया को उसके रूम के अंदर खड़ा देख पाता है, बट चेक करने पर उसे कोई नहीं मिलता। उसी रात उसकी बेटी एली उसे बोलती है कि उसने सपने में एक मॉन्स्टर देखी है। माइकल पूछता है कि वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा था, तो एली जवाब देती है कि डैड वो मॉन्स्टर आप ही हो। माइकल एली को कहता है कि वो कभी भी एली को चोट नहीं पहुंचाएगा। माइकल को उसके दिमाग में वो वॉइस अब कुछ बोलते हुए सुनाई देने लगा था। एक दिन माइकल उस वॉइस से बात करता है कि अगर वो मान लेगा कि डीमन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो उसे अकेला छोड़ देगा, तो वो वॉइस बोलता है नो। टीवी के स्क्रीन में माइकल की एक डिमोनिक इमेज अपीयर होती है जो उसे मॉक कर रहा था। माइकल अब उन सारे लोगों के पास मदद मांगने पहुंचता है जिनसे वो पहले अपने ऊपर वो रिचुअल्स करने के लिए गया था। प्रिस्ट गिबन्स, वो डिमोनोलॉजिस्ट कपल, फ्यूनरल डायरेक्टर सबसे, बट कोई भी उसका हेल्प नहीं करता है और सब लोग उसे ये बोल के मना कर देते हैं कि ये सब उसका गलती है। माइकल एक फादर को उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने बोलता है, बट वो भी मना कर देते हैं ये बोल के कि चर्च ये सब नहीं करता है। माइकल का दिमागी हालत अब हद से ज़्यादा बिगड़ रही थी और अपने ऊपर से उसका नियंत्रण खोने लगा था। एक रात माइकल अपना होश खोके एक चाकू लेके एली के रूम के अंदर जाता है। अगले मॉर्निंग बेथ माइकल की डॉग फिशबोन को एली के बेड के ऊपर मरा हुआ देखती है। बेथ भी माइकल की ये बर्ताव से डरी हुई थी और वो एली को साथ लेकर अपने किसी दोस्त के पास रहने चली जाती है। अब चर्च ने भी माइकल के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर दिया था, तो माइकल डिसाइड करता है कि वो खुद से ही एग्जॉर्सिज्म करेगा। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्जॉर्सिज्म वही लोग करते हैं जिनका भगवान के ऊपर दृढ़ निष्ठा होता है, बट माइकल एक नास्तिक आदमी था जिस वजह से कोई भी फायदा नहीं होता और चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। माइकल की हाथ में बाइबल अपने आप जल जाती है और उसे डीमन घर में इधर उधर फेंकने लगता है। माइकल एग्जॉर्सिज्म करने की जितना भी ट्राई कर रहा था, वो डीमन उसके ऊपर उतना ही हावी हो रहा था। वो जस्ट माइकल अपने चेस्ट के ऊपर चाकू से एक पेंटागन खोदता है। नेक्स्ट डे माइकल जब अपनी बॉडी में ये सब इंजरीज को देखता है, वो रियलाइज करता है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। वो एक नीडल को अपनी उंगली में घुसाता है बट फिर भी उसे कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता। तो माइकल के अंदर का वॉइस उसे एली को मारने के लिए कहता है, बट माइकल मना कर देता है। उसी रात माइकल एक दूसरी औरत को मारने उसके पीछे जाता है ताकि डीमन एली को छोड़ दे, बट माइकल उसे नहीं मार पाता है। घर वापस आके वो खुद को हैंडकप करके सोने की कोशिश करता है ताकि वो डीमन उसे कहीं पे नहीं ले जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइकल उठता है, देखता है कि उसका हैंडकप खुला हुआ है और हाथ पूरा खून से लथपथ था। घर के दीवारों में खून से बहुत सारे साइंस बने थे और जमीन में एक पेंटाग्राम भी बना था। रिकॉर्डिंग चेक करने पर माइकल देखता है कि प्रीवियस रात जॉर्डन उसके घर आया था। तब माइकल पूरी तरह से पोजेस्ट था और उसके अंदर का डीमन माइकल बनके जॉर्डन से उस हथकड़ी को खुलवाया था। ये सब रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद माइकल जॉर्डन को कॉल करता है, बट फोन का आवाज ऊपर के रूम से आता है। माइकल दौड़ के ऊपर के रूम में जाता है और वहां उसे जॉर्डन की डेड बॉडी दीवार से लटकता हुआ दिखता है। माइकल पूरी तरह से हार मान चुका था और अब वो अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचता है। वो एक कांच का टुकड़ा उठा के खुद को मारने की कोशिश करता है, बट वो डीमन उसका हाथ रोक देता है और कांच को दूर फेंक देता है। वो कुछ मेडिसिन खा के सुसाइड करने की कोशिश करता है, बट वो डीमन उसको उल्टी करवा देता है जिससे सारी मेडिसिन बाहर आ जाती है। डीमन माइकल से कहता है कि एली को मार दो, बट माइकल मना करता है। अगली सुबह बेथ एली को लेके माइकल को चेक करने घर वापस आती है, बट पीछे से माइकल दरवाजा बंद कर देता है और बेथ को हवा में उठा लेता है। फिर वो बेथ का गले का हड्डी तोड़कर उसे दूर फेंक देता है जिससे बेथ की मौत हो जाती है। फिर माइकल अपने होश में आता है और एली को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। एली ऊपर के कमरे में जाके छुप जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि माइकल के अंदर का डीमन फिर से उसके ऊपर हावी हो जाता है।
बट माइकल भी उससे फाइट करने की बहुत कोशिश करता है। वो एली को ढूंढ लेता है और उसे वो मारने जा ही रहा था तभी अचानक एक कॉइन को टेबल के ऊपर घूमता हुआ देखता है। ये वही कॉइन था जो एक्सीडेंट से पहले सामंता के हाथ में थी। माइकल को कुछ समय के लिए अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। सामंता की स्पिरिट उसे कहती है कि गो क्विकली और माइकल एली को छोड़ के खिड़की से नीचे कूद जाता है। सामंता की स्पिरिट उसे बोलती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और माइकल की यहीं पे मौत हो जाती है। और गाइज इसके साथ यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइज ये थी द पोजीशन ऑफ माइकल किंग की पूरी कहानी। पर्सनली मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। मूवी को देख के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हमें कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें नॉलेज ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। गाइस नेक्स्ट वीक से मैं कुछ 90s एंड 80s का क्लासिक हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हफ्ते में टोटल 2 वीडियोस आएंगे जिसमें एक क्लासिक हॉरर होगा और एक लेटेस्ट हॉरर मूवी जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे होम एंड टेक केयर। Thank you.